श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, सावन का में जो है लोग सोमवार का व्रत रखते हैं और सोमवार के दिन व्रत कथा सुने बिना व्रत पूर्ण नहीं होता है। इसलिए सोमवार के दिन अगर आप व्रत हैं या नहीं हैं तो भी आपको व्रत कथा जरूर पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। इससे आपकी समस्त मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। श्रावण सोमवार की कथा के अनुसार अमरपुर नामक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। सभी लोग उसका मान सम्मान न करते थे, परंतु फिर भी वह अंतर मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। इस दिन रात उसे यही चिंता सताती रहती थी, उसकी मृत्यु के बाद इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव के व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक दिन पार्वती माता ने कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से सोमवार का व्रत और पूजन नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भोलेनाथ ने कहा, सभी को अपने कर्मों के अनुसार दंड भुगतना ही पड़ता है, जो भी उसका फल होता है। परंतु पार्वती माता नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है और विधिवत प्रति सोमवार आपका व्रत और पूजन करता है और आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान इसे देना ही होगा। माता पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, उससे अधिक नहीं। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी उसी व्यापारी को बता दी। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात उसके घर में सुंदर पुत्र पैदा हुआ, जिससे उसके घर में खुशियां भर आईं। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु का रहस्य पता था, यह घर में किसी और को नहीं पता था। विद्वानों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी ले जाओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी दोनों जाते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद्र एक नगर में पहुंचे, जहाँ पर उस नगर की जो कन्या है राजा की, उसका विवाह था, जिसके उपलक्ष्य में पूरे नगर को बहुत अच्छे से सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर के पिता को अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत ही चिंतित था। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके दिमाग में विचार आया, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दोनों ने यह बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है और मैं वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक काना है। जब राजकुमारी ने ओढ़नी पर ऐसा लिखा पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर मामा और अमर दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना प्रारंभ कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की पूरी हो गई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। भगवान के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही प्राण पखेरु उसके उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देख कर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान से आग्रह किया कि मुझसे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है, कृपया इस व्यक्ति के कष्ट दूर करें। भगवान शिव ने कहा कि तो पार्वती जी से बोले, हे पार्वती, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था और इसकी आयु अब पूर्ण हो चुकी है। पार्वती जी ने भगवान शिव से निवेदन किया कि हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता की
मृत्यु के कारण रो रोकर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के के पिता तो आपका परम भक्त है। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पलों में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा उसे अपने साथ महल में ले गए और कुछ दिन महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ दोनों को विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, मैंने सोमवार के व्रत करने और पदकथा सुनने से ही प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में भी लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करके और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, ये है सावन के सोमवार के दिन पढ़ी जाने वाली व्रत कथा, जिसे अगर आप व्रत हैं या नहीं हैं तो भी आपको पढ़ने अथवा सुनना ज़रूर चाहिए। इससे व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सोमवार के दिन आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ और पार्वती माता की कृपा सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।